वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे गाइज, आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम लास्ट 7 डेज एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि आप 7 दिन कैसे पढ़ाई करें जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें, आप आने वाले इस एग्ज़ाम में यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका आ रहा है आप उसमें अच्छा कर सकें। ठीक है गाइस, उसके लिए मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा, करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर कर दिया है तो साइड में एक बेल आइकन भी होगा उसे भी दबा दो जिससे कि मैं जब कोई नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप कोई मिस ना करें। तो गाइस, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पूरा पैटर्न बदल दिया गया है। अब हमारे सब्जेक्ट आपको 4 सब्जेक्ट है, मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीके। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो वो है इस प्रकार है, मैथ्स के 38 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 37 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 37 क्वेश्चन होंगे और जीके के 38 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 150, टोटल क्वेश्चन 150 होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है गाइज, एक क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का। दूसरी चीज, अब तैयारी कैसे करें जब आपको पता है कि आपके सामने 38 क्वेश्चन मैथ्स के आने वाले हैं, हिंदी के 37, रीजनिंग के 37। अब देखो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं जीके। आप सोच रहे होगे कि जीके में 38 क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको बता देता हूँ जीके ना किसी का अच्छा नहीं होता, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, किस्मत अगर आपकी अच्छी है, हो सके अगर आपकी किस्मत ज्यादा ही अच्छी है तो शायद आपने जो पढ़ा वो सारा आपको एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है आप कितना ही पढ़ लो उतना कम है। ठीक है, तो जीके किसी का अच्छा नहीं होता। अगर कोई बोलता है कि मेरा जीके अच्छा है, आपसे कोई बोल रहा है तो समझ जाओ वो झूठ बोल रहा है। जीके किसी का अच्छा नहीं होता, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक कि आपकी किस्मत कैसी है और आपका एग्जाम में वही चीजें आ जाती है जो आपने पढ़ा है, तो बहुत अच्छा है। अब जीके में आपके करंट अफेयर्स देखो गाइज, आपके पास 7 दिन है, अपना करंट अफेयर्स करना स्टार्ट कर दो। करंट अफेयर्स का टाइम आ गया पढ़ने का, लास्ट 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, टाइम मिले पर ज्यादा पढ़ लेना, लेकिन 4 महीने के रट डालो, कोई भी बुक पीढ़ी लो, प्रतियोगिता दर्पण ले लो, करंट इन फोकस आती है मैगजीन, सॉरी कंपटीशन इन फोकस आती है, वहां से पढ़ो। बहुत सारी बुक्स आती है जिनके अंदर लास्ट 4 मंथ्स के मिल जाएंगे अच्छे से, नेट पे देखो, सर्च करो। मैं भी जब लास्ट 4 डेज बच जाएंगे मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। और जीके की मैंने, आपको पता है जीके की मैं टेस्ट सीरीज भी चला रखी है जिसके अंदर मैं 30 टेस्ट जीके से कंप्लीट करा चुका हूँ, 22 टेस्ट हिंदी से करा चुका हूँ, और इन टेस्ट सीरीज को जरूर देख लो एक बार, क्योंकि मैंने बोल रखा है अगर आपने टेस्ट सीरीज कर ली ना पूरी तो जीके और हिंदी में 50% क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं, 50% क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। 38 में से आपके 19 मार्क्स पक्के हैं अगर आपने मेरी पूरी टेस्ट सीरीज अच्छे से की है, रिवाइज किया है, लेकिन साथ में मैंने उसके साथ बोल रखा है बस सब्जेक्टिव थोड़ा कर लेना, उसके साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ लेना, क्योंकि वो सारे टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में है। क्योंकि सब्जेक्टिव से क्या होता है, थोड़ी सी चीजें अगर थोड़ा घुमा के पीछेगा तो आपको पता होगा। अब बात करते हैं रीजनिंग, एक ऐसा सब्जेक्ट है रीजनिंग जो सबका अच्छा होता है, लगभग सबका, कोई बेशक एक दो बंदा होता है जिसका कम हो। रीजनिंग में मानता हूँ आप आराम से, जिसने थोड़े अच्छे से प्रैक्टिस की है, और जैसे मैंने लास्ट 23 डेज की स्ट्रेटेजी बोली थी उसके अंदर बोला था कि आप सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर से भी रीजनिंग कर सकते हो, प्रैक्टिस टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर से रीजनिंग कर सकते हो। तो आपके पास 7 दिन है, अभी भी आप रीजनिंग के लिए कोई स्पेशल टाइम मत निकालो, अलग से मत करो, मैं बोल रहा हूँ फिर से, रीजनिंग के लिए क्या करो, आप जो रोज प्रैक्टिस टेस्ट या फिर प्रैक्टिस पेपर कर ही रहे होंगे, मेरा मानना है कि आप कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो, एक प्रैक्टिस टेस्ट और एक प्रैक्टिस पेपर रोज करना स्टार्ट कर दो भाई। अगर अभी भी नहीं कर रहे हो, आपकी रीजनिंग और हिंदी लगभग वहां से हो जाएगी। हिंदी के लिए मैंने बोला था प्रीवियस पेपर्स देख लो कैसा होगा, वहां से थोड़ा मालूम हो जाएगा कि हिंदी किस प्रकार आती है। दूसरी चीज, आप रीजनिंग के लिए स्पेशल टाइम मत निकालिए, लेकिन जीके को रोज 2 घंटे दो, जीके को रोज 1 से 1.5 घंटा तो पक्का जीके को दो ही दो। ठीक है, बाकी का 1 घंटा रीजनिंग के लिए जो आप प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हो, वो प्रैक्टिस टेस्ट या प्रैक्टिस पेपर, वो 2 घंटे वहां पे आएंगे, उसमें रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, अलग से कोई टाइमिंग देने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास ही 3.5 घंटे हो गए, 2 घंटे आप एक पेपर करेंगे और 1.5 घंटा आप जीके पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हिंदी, हिंदी आपकी ठीक ठाक होगी मुझे पता है, हिंदी जो यूपी से, यूपी बोर्ड से पढ़े हुए उनकी हिंदी लगभग ठीक ही होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, और आप इसमें हिंदी में अगर आपकी वीक भी है फिर भी आप 25 प्लस
25+ मार जाओगे आराम से, बहुत आराम से है 25+। अगर आपकी हिंदी वीक भी है और थोड़ा सी बेसिक नॉलेज है तो 25+ आ जाएंगे। तो 1 घंटा हिंदी को दे दो, आपके घंटे हो गए। अब आपके 2, 2.5, 3.5 और 1, 4, 4 घंटे आपके हो गए, ठीक है। अब 2 घंटे के आप दिन में मैथ्स के लिए नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, 7 दिन है। अगर आप 2, 2.5, 2.5 घंटे आप मैथ्स के लिए निकाल लो तो मैथ्स के लिए, मैथ्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आया हूँ। पहले मैंने पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट करा रखा है और अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूँ, वहां से वीडियो देखो। या फिर अपने डाउट्स मैंने पूछा था, आज तक किसी ने डाउट्स नहीं पूछे। जब लास्ट 20 डेज की स्ट्रैटेजी डाली थी तब मैंने बोला था अगर आपको मैथ्स में डाउट्स आता है तो आप भेजिए, मैं संडे को कराऊंगा। लेकिन आज तक किसी बंदे ने मेरे को डाउट्स नहीं भेजे। इट्स ओके, आई होप आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आता हो, लेकिन मैं बोल सकता हूँ सभी को मैथ्स बहुत अच्छे से नहीं आता है, मुझे पता है। मैथ्स के लिए मैक्सिमम टाइम निकालो, आपको पता है, आपको मालूम है कि आपका कौन सा सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या है, आपके अंदर क्या कमियां हैं। आपको आपको सबसे बेहतर आप ही जानते हो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, कहां पे आपको मेहनत, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रोंग है और कौन सा वीक है। आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रोंग है उसे थोड़ा अब कम टाइम दो, लेकिन जो वीक है ना सब्जेक्ट उसे कोशिश करो उन 7 दिन में अच्छा करने की। और उस अच्छा कैसे होगा, जब आप उसे रोज प्रैक्टिस करोगे, एक प्रैक्टिस टेस्ट रोज करोगे, उससे आपको मालूम पड़ता रहेगा कि ओह यहाँ पे कमी आ रही है, इकोनॉमिक्स में आ रही है, पॉलिटी में आ रही है, मैथ्स में, तो आपको वहां से पता लगेगा ओह ये प्रॉब्लम है मेरी, फिर उन चीजों को देखना स्टार्ट करो। लेकिन 6-7 घंटे तो आपको रोज देने ही पड़ेंगे। प्लस रीजनिंग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अलग से मत करना। एक जो प्रीवियस पेपर और एक प्रैक्टिस टेस्ट जो आप रोज कर रहे हो 2 घंटे, उससे आपकी रीजनिंग हो जाएगी, हिंदी भी लगभग हो जाएगी अपना जीके और मैथ्स पे, क्योंकि जो आपका स्कोर बढ़ेगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है गाइस, अगर आपको अच्छे से कर लिया तो पूरे में से पूरे मार्क्स दिला सकता है। दूसरी रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग ऐसे हैं, रीजनिंग भी आपको पूरे में से पूरे दिला सकता है, लेकिन जीके और हिंदी में आपके पूरे में से पूरे नहीं आएंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेंगे और वो गड़बड़ भी कराएंगे। प्लस अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स 4, अब आपके पास मैं मान लेता हूँ अभी 9 दिन है, लेकिन मैंने 7 दिन की बनाई है, 7 दिन है। रोज अगर आप 20 मिनट भी पढ़ेंगे ना, तब भी 4 महीने की करंट अफेयर्स बहुत आराम से कर जाओगे और क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। करंट अफेयर्स रट डालो, लास्ट 4 मंथ्स की करंट अफेयर्स रट डालो, हर हाल में करंट अफेयर्स रट डालो। 9 से 10 क्वेश्चन के आसपास तक आ सकते हैं मैक्सिमम, अगर ज्यादा बड़ा 9 से 10 आ जाएंगे, क्योंकि आपके सामने 38 क्वेश्चन होंगे, 9 से 10 आपके सामने आ जाएंगे। और आपको पता ही है नेगेटिव मार्किंग है 0.50 की, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.50 मार्क्स कटेंगे, ठीक है। आप अगर, अब मैं बात करता हूं, अगर आपका टेस्ट, अगर आपका पेपर, आपको पता है आप एग्जाम में बैठे हैं और आपका पेपर हुआ है सिर्फ 45%, 60% से नीचे है, तो तुक्के मारना, बिल्कुल बोल रहा हूँ तुक्के दबके मारना। अगर आपको लग रहा है कि आपका टेस्ट 60% से नीचे जा रहा है और आपको उम्मीद है कि यार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो भाई छोड़ के मत आना, तुक्के मारना, ऑप्शन है, क्या पता भगवान ने चाह लग जाए, लक कभी भी साथ दे सकता है, ये मत हारना, तुक्के मार देना बेशक। अगर लेकिन ध्यान से भाई, फिर से सुन लो, अगर 45% से नीचे जा रहा है आपका स्कोर तो तुक्के मार लेना, बेशक तुक्के दबके तुक्के मारना, नेगेटिव मार्किंग है, ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी, क्या पता आपके तुक्के सही लग जाए। अगर आपके तुक्के 2/2/4 हो गए, 1/2 हो जाता है, तो कुछ ना कुछ मिलेगा, खोगे कुछ नहीं अगर आप तुक्के मारते हो, ठीक है। ये बैंकिंग नहीं है कि अगर आपने, आपके इतने क्वेश्चन गलत है वो ऐसे चेक करेंगे ना, आपका टोटल स्कोर चेक होगा यहाँ पे, तो तुक्के मार लेना। लेकिन अगर आपका पेपर आपको लग रहा है कि 45% ही हुआ है, 300 में से आपको लग रहा है कि मेरे 150 भी नहीं बन रहे हैं, तो तुक्के मार लेना, ठीक है, तुक्के बिल्कुल मार लेना। 150 से नीचे रहने पे, 150 से क्या, 140, 130 से नीचे रहने पे तुक्के मारना, अगर आपको लग रहा है सिर्फ 130 ही स्कोर हुआ है। लेकिन अगर उससे ऊपर जाता है तो बहुत सोच समझ के पेपर करना, और बिल्कुल भी तुक्कों के लिए मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना, नेगेटिव मार्किंग है, आप लॉस में चले जाओगे। ये चीजें थी जो मुझे आपको बताने थी, कि इन 7 दिन में आपको, आपके पास टाइम है, रोज 6-7 घंटे निकाल लो, आपको पता है आपकी क्या कमजोरी है, और भाई दिमाग से ना फितूर निकाल दो ये आलतू फालतू चीजों के। अभी 7 दिन बचे हुए, और मुझे पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो साफ बोलता हूँ, देखो साफ बोलता हूँ, कभी उल्टा किसी को गलत भी लगेगा और वो डिसलाइक भी कर देगा वीडियो, ये लौंडियाबाजी का, या फिर जो लड़के वड़के के चक्कर में हो ना, सभी को बोल रहा हूँ छोड़ दो यार। 7 दिन, अगर आपने इन 7 दिन मेहनत कर ली ना, और आप 7 दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो, 7 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो। और ये चीजें ऐसे ही नहीं होती,
ये चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी अगर आप 7 दिन में पढ़ लोगे उन सब चीजों को। क्या पता अभी जो आपके पास है अगर आपकी जॉब लग गई तो आपको उनसे बेहतर मिल सकते हैं, पार्टनर भी सब कुछ भी, लेकिन जॉब नहीं लगी ना बेटा ये तो जाएगी हाथ से, बाकी बहुत कुछ जाएगी। जब आप अपने दोस्तों को देखोगे ना गाड़ियों में घूमते हुए बाइक पे चलते हुए, तब आपको महसूस होगा कि अगर मैं इन दिनों पढ़ लिया होता ना तो आज मेरी जॉब होती तो मैं भी शायद ऐसे घूम रहा होता। तो ये आपके पास टाइम है, पढ़ना कैसे है वो सब चीजें आपको पता है, आपको सबसे बेहतर आप ही जानते हो आपके क्या प्लस पॉइंट्स है क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, किसे टाइम ज्यादा देना है किसे कम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ के आप कितना कर सकते हो। अपने चीजें अपने अंदर झांक के देखो, खुद के अंदर झांक के देखो, आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको कहाँ मेहनत करनी है किस सब्जेक्ट पर मेहनत करनी है। अब रही बात जीके के, मैं 30 टेस्ट डाल चुका हूँ वो देख लो, मैं बोल रहा हूँ फिर 30-40% क्वेश्चंस वहीं से मिलेंगे। मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल रहे हैं उन्हें समझ लो, मैथ्स मैंने ये नहीं बोल रहा कि सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे लेकिन आपका बेसिक्स जिसका बहुत वीक है वो क्लियर हो जाएगा क्योंकि वे सारे ट्रिक्स से है, ठीक है। रीजनिंग और हिंदी, हिंदी की भी मैंने वीडियोज 22 के आसपास वीडियो डाली है उन्हें देखो, साथ के साथ अपना प्रैक्टिस करते रहो। अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है ना तो मत देखो, मैं अभी खुद बोल रहा हूँ खुद की मेहनत करो तभी एग्जाम्स क्लियर होंगे। अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे किसी दूसरे के भरोसे रहोगे तो आपका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। अब आपको अपने अंदर झांकना है, खुद की कमियां पहचाननी है तभी आपसे एग्जाम्स क्लियर होंगे। आई होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे हुए होंगे, कैसे आपको पढ़ाई करनी है ये थोड़ा मालूम हुआ होगा। तो लग जाओ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। गाइज मैं जल्दी ही आपको एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे करें कि आपका कंसंट्रेशन पूरा बना रहे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका कंसंट्रेशन टूट जाता है, तो मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे क्या क्या करना है जिससे कि आपका कंसंट्रेट जो पूरा कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई पर बना रहे और इधर उधर ना भटके। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम, थैंक यू।